चुनाव या दिल्ली सुदीर्घ पंचलिस बसर मूरत एनेदरे डुबिसे दिल्ली दिल्ली साले काटिसे जमुनार पानी या देशर ऐतिह्य प्रतीक स्वरूप लाल किल्ला প্রতি বছরে 15 আগস্ট ইয়ার পরাই প্রধানমন্ত্রী দেশবাসী সম্বোধি ভাষণ প্রদান করে কিন্তু সে লাল কিল্লা এটা পানির তলত লাল কিল্লার গেটেরে এটা মাথু সুমাইছে যমুনার পানি বাদ পালে উলাই গেছে যমুনার পানি लेकर आए हैं तस्वीरें साफ आपको नजर आ रही हैं। आप जहां तक नजर डालेंगे वहां तक आपको सिर्फ नदियां नदियां दरिया दरिया ही नजर आएगा, पानी पानी ही नजर आएगा क्योंकि इन दिनों दिल्ली के हालात ऐसे हैं कि दिल्ली पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई नजर आ रही है और इसका खामियाजा जो है दिल्ली में रहने वाले लोगों को उठाना पड़ रहा है क्योंकि लगातार पानी जो है वो भरा है और इसके चलते जरूरी काम के लिए घर से लोग बाहर नहीं जा पा रहे। अब लोगों को उम्मीद है कि कब ये यमुना का जो जलस्तर है वो पानी कम हो और इसके साथ ही जो पानी राजघाट की तरफ भर गया है वो कम हो। ठीक सामने आप देखें तो एक बस आपको आती नजर आ रही होगी, वो भी पानी में पूरी तरीके से डूबी हुई है। तो समस्याएं काफी ज्यादा है। अब ऐसे में सिर्फ लोगों को इंतजार है कि आखिरकार ये पानी कब कम होगा और उन्हें इस समस्या से निजात मिलेगी। या राजघाट महात्मा गांधी समाधि स्थल इतिया जमुनार पानी तलत। यहाँ पर जो पानी है वो कल से भी ज्यादा बढ़ गया है और आप देखें तो यहाँ पर जो राजघाट है वो पूरी तरीके से डूबा हुआ नजर आ रहा है। अंदर बापू की समाधि है वो भी पानी में डूबी हुई है और पूरा जो राजघाट है वो एक तरीके से डूबा हुआ नजर आ रहा है, पानी ही पानी है। जहां तक आप नजर दौड़ाएंगे कैमरे की नजर से मैं आपको दिखाना चाहूंगी, कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो दिखाएं आपको, तो दूर तक जहां आप देखेंगे सिर्फ पानी ही पानी आपको यहां पर नजर आएगा। पेड़ पौधे आधे से ज्यादा पानी के अंदर डूब चुके हैं। या दिल्ली आईजीओ देखो राजधानी शहर दिल्ली अन्यतम व्यस्त एलका दुदिन धरी पानी तलत आछे आईजीओ आईजीओ एककाल पर्यंत उठिसे जमुनार पानी। দিল্লী সরকারে সেনারও সহায় লৈছে বানপানীরে মোকাবিলা করিবৰ বাবে। তিনি দিন ধরি পানি তলত আছে দেশের রাজধানী শহর দিল্লী। রাজধানী দিল্লী মে জিস তরহ যমুনা কা জলস্তর বড়া হ্যায় উসকি ওজহ সে আম জনমানস জো হ্যায় উনকি আওয়াজাহি পর ভি গহরা আসর পড়া হ্যায়। আপ দেখ সকতে হ্যায় কি সময় মে দিল্লী কে আইটিও পর হুঁ অর লগভগ 48 ঘন্টে সে জাদা কা সময় ফিলহাল বীত চুকা হ্যায়। 48 घंटे से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी जो पानी है वो आईटीओ राजघाट और इन तमाम जगह पर जस का तस बना हुआ है। तमाम लोग देखिए, ये लोग जो है वो ऑफिसेज की तरफ जा रहे हैं, देखिए उन तमाम लोगों की जो गाड़ियां हैं वो खराब हो रही हैं। दिल्ली एने अवस्था देखी क्षुब्ध हो पड़े से उत्तर प्रदेश और एक और व्यक्ति। सर मेरे को ड्यूटी जाना था, 3 दिन हो चुके हैं, मेरी बेबी प्रेगनेंट है, मेरे को ये हो रहा है जो छुट्टी कट के आई तो अपने बच्चों की कैसे डिलीवरी कराऊंगा, कहाँ कराऊंगा, किस तरीके से कराऊंगा। इधर हॉस्पिटल है वो भी बंद कर रखे हैं, रास्ते ही नहीं सर, लेके कहाँ से जाऊँ। उधर जाए तो उधर कोई ट्रैफिक वाला नहीं जान दे रहा, इधर पुलिस वाले नहीं आने दे रहे, ये बताइए हम जाए कहाँ, कैसे रहता रहेगा हमारे साथ। यही है हमारे साथ, इससे बढ़िया तो यूपी है, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मेरे को यूपी में ऐसा कुछ दिखता ही नहीं है, दिल्ली में पहली बार देख रहा हूँ। एआई दिल्ली चुनाव, एआई दिल्ली রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী কে ধরি দেশের প্রশাসনের নাভি কেন্দ্র দিল্লি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যেতিয়াই যেতিয়াই প্রত্যাহ্বান জানা অরবিন্দ কেজরিওয়ালে শাসন করে দিল্লি, কিন্তু এতিয়া দিল্লি ডুবিছে, বুকুলে ডুবিছে দিল্লি। তার পিছতো মাথু রাও জুড়ি আছে এই শাসক সকলে, কিয়নো এয়া দিল্লি চুনাব, এয়া দিল্লি। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট।